हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज मैं जा रही हूँ एसकेवी बादली स्कूल में बच्चों का एक्सपीरियंस लेने के लिए कि उनका स्टेम का एग्ज़ाम कैसा हुआ था। और आज है 28 जनवरी 2024 और इसी के जस्ट बहुत मतलब 5 मिनट की दूरी कह सकते हैं, उसमें GBSE बच्चों का भी एग्ज़ाम था GBSE स्कूल बादली में। और यहाँ पे हमारी जो चैनल है उसकी सेकेंड जो मैम है वो भी आई हुई, तो उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था। उनका इंटरव्यू जो है वो SOSE यूनिकॉर्न्स वाले चैनल पर है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप सभी जाके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और मुझे इंटरव्यू लेकर बहुत खुशी हुई, मतलब इतनी भीड़ थी और जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने बच्चों के लिए, और फिर बच्चे जो है निकलना शुरू हो गए थे और मेरी भी एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल हो गई थी। और मैं जानना चाहती थी कि बच्चों का एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्योंकि अगर आप किसी को पढ़ाते हो तो उसके बाद आपको ये जानना तो बनता है कि एग्ज़ाम कैसा आया था। तो जैसे जैसे बच्चे निकल के आ रहे थे, बच्चे थोड़े शाय भी होते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो इतनी जल्दी जो है मतलब वो चाहते हैं दिल से कि वो देना चाहते हैं, बट वो देते नहीं हैं क्योंकि वो थोड़ा शर्माते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों ने जो है बहुत सारे बच्चों ने आगे बढ़कर और अपना जो इंटरव्यू है वो दिया। और उनका इंटरव्यू आप सभी जो है देख सकते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आप सभी के साथ। इंटरव्यू देना चाहोगे अपने नेक्स्ट जूनियर्स के लिए? हेलो, थोड़ा सा पीछे, आपका नाम क्या है? जयंत। जयन, जयन, कैसा एग्जाम हुआ आपका आज का? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, तो आज हमारे साथ है जयन और इनका आज स्टेम का एग्जाम था। और आपका स्टेम के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे? सबसे पहले तो था रीजनिंग का, उसके से बोलो वीडियो में, सबसे पहले था रीजनिंग का। हाँ, उसके बाद था मैथ। हाँ, और फिर साइंस का आया था। अच्छा, साइंस का आया था। साइंस में कैसे टाइप के क्वेश्चंस थे? साइंस में ये उसके थे मिरर के टाइप के क्वेश्चन आए थे। असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए थे? असर्शन और रीजन के नहीं। एमसीक्यूज आए थे। कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लग रहा हो जो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए वो हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए? साइंस में से कोई चैप्टर ऐसा हो चैप्टर जिसके बहुत क्वेश्चंस आए हो? फोर्थ चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, ठीक है, थैंक यू। गाइस, यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि 800 बच्चों का सेंटर था यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताओ कि साइंस में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? साइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो साउंड वाइब्रेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वेव साउंड, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी टाइप के आए थे बहुत सारे। और लाइट चैप्टर से कुछ देखने को मिला था? लाइट से नहीं देखने को मिला था। आपने तैयारी कहाँ से की थी? मैंने घर पे बैठे बैठे की थी, SOSE की बुक से की थी। और मैथ्स में कहाँ से आपके क्वेश्चंस आए थे? मैथ्स में उसी से आए थे, बुक से रिलेटेड ही आए थे। आपका नाम क्या है? अनुष्का। अनुष्का, वेरी गुड। आपको कैसा लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हेलो, हेलो, आपका नाम क्या है? गरिमा नाम है आपका, ये आपके पेरेंट्स? तो आपका गरिमा नाम है, आपने कौन सी क्लास के लिए एग्जाम दिया था? 9th स्टेम के लिए। स्टेम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे? साइंस से कौन से मिले थे? साइंस से मिले थे एक सेल वाले चैप्टर से। सेल वाला चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, राइट? और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसा? और सोचो वैसे भूल जाते हैं, ये होता है, भूल जाते हैं, इसमें गलती नहीं है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं टोटल। अच्छा, टोटल क्वेश्चंस कितने आए थे? 60 आए थे। उसमें से सबसे हार्ड सेक्शन कौन सा था? मैथ्स का था। मैथ्स का सबको लगता है हार्ड सेक्शन। तो आपको कैसा लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ठीक है। और अगर इन फ्यूचर भगवान ना करे ना हो, तो आप डीमोटिवेट होगे या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे? अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। वेरी गुड, अच्छी बात। जानते हो? यस मैम, यूनिक क्लासेस की मैम हूँ। कौन सी क्लासेस से हैं? मैम 8 से हूँ। मैंने आपके यूट्यूब चैनल से बहुत अच्छी तैयारी की है। ओके, तो हमारे चैनल का नाम क्या, एक बार हमारे दर्शकों को जोर से बताइए। यूनिक क्लासेस। नहीं बच्चे, ये यूनिक क्लासेस है। हाँ, यूनिक क्लासेस। हाँ, यूनिक आप सबने बनाया है, ठीक है। और आपका नाम क्या है? रूपा। रूपा नाम है, वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपका एग्जाम में आपको सबसे इजी सेक्शन कौन सा लगा? मुझे रीजनिंग और मैथ बहुत इजी लगा। मैथ बहुत इजी लगा? यस, दैट्स ग्रेट। क्यों, मैथ्स में आपको कौन से चैप्टर ज्यादा मतलब देखने को मिले? चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ। और कोई और ऐसा इम्पोर्टेंट? हाँ, लाइक मेंसुरेशन चैप्टर से भी आए थे क्वेश्चन 1। हाँ, उससे आता ही है, एरिया वगैरह का क्वेश्चन आता है। साइंस आपको हार्ड क्यों लगी?
नहीं साइंस मुझे मतलब कि इजी लगा, उसमें सेल चैप्टर सबसे आए थे क्वेश्चन। और कोई दूसरा चैप्टर ऐसा हो जिससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला हो? हाँ साउंड और लाइट से एक क्वेश्चन आए थे। कैसा क्वेश्चन आया था लाइट से? उसमें मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप में आया था। ओके और कुछ बताना चाहोगे अपने जूनियर्स को, मोटिवेट करना चाहोगे? हाँ आप डरिए मत, ये हमारा होगा या नहीं होगा, आप पेपर देख के अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम आगे तैयारी करेंगे और हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ही हौसला होना चाहिए हर बच्चे के अंदर, क्योंकि हम एग्जाम से कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। हाँ नाइस, सिलेक्शन होगा तो इंटरव्यू दोगे? यस मैम। हेलो, तो आज हमारे साथ है बेबी। बेबी नाम है आपका, ठीक है। आपका कौन सी क्लास का एग्जाम था? हाँ नाइन्थ क्लास के लिए था ये। एट क्लास से हूँ मैं अभी। एट क्लास से? हाँ अभी। आपने अपने एट क्लास के एग्जाम दे दिए या उससे पहले हो गया एग्जाम? नहीं अभी मार्च में होंगे फाइनल्स एग्जाम, और ये था हमारे नाइन्थ क्लास में जाने के लिए। ये बताओ कि मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर हम जाने तो कौन सा आया था? उसमें से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। और साइंस में? साइंस में हमारे कोल पेट्रोलियम चैप्टर थे, और मतलब ह्यूमन बॉडीज के बारे में ज़्यादा आया हुआ था। ओके और मेंटल एबिलिटी में किस टाइप के टॉपिक्स आए थे? ज़्यादा तो शेप्स से जुड़े हुए थे सारे, यानी कि नॉन वर्बल आई थी। हाँ वर्बल। और कोई ऐसा जैसे कोडिंग या डाइस वगैरह? कोडिंग में थे एक क्वेश्चन आया हुआ था। ओके हाँ ये मुंबई का ऐसे में रिकॉर्डिंग करना था। ओके ओके और एनालॉजी आई थी? हाँ जी। एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन थे? उसमें मतलब थोड़े जो एक तो वो बताओ वर्बल और जो उसमें आ जाते हैं। अच्छा नॉन वर्बल पिक्चर में आए थे। ओके नॉन वर्बल। तो आपको एग्जाम देकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। तो सिलेक्शन होगा ऐसा लगता है? सिलेक्शन का तो नहीं पता, लेकिन पेपर अच्छा करके। पेपर अच्छा करके? हाँ सिलेक्शन का किसी को भी नहीं पता होता है ऑब्वियसली। आज हमारे साथ है सलोनी। सलोनी कितना प्यारा नाम है, आप ही की तरह। अच्छा आप? हाँ आप मुझे ये बताइए कि आपने मैथ्स में क्या ऐसा टॉपिक पढ़ा जो कि आपके एग्जाम में आया था? मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने पढ़ा था अच्छे से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था वो आया था। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे को एक आधे नहीं भी आए थे, पर मैंने ट्राई किया तो वो मेरे को आए। और साइंस तो ईजी था, मैथ थोड़ा हार्ड था, और मेंटल एबिलिटीज भी ईजी थी। कहाँ से तैयारी की थी? आपकी क्लासेस से ही की थी, योनिक क्लासेस से। कौन सी क्लासेस से? योनिक क्लासेस से। हाँ चलो कोई बच्चा तो नाम को सही प्रोनाउंस कर रहा है, वरना सब बच्चे यूनिक बोलते हैं, ठीक है। साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? साइंस में कोयल एंड पेट्रोलियम से ज़्यादा आए थे, और लाइट्स में से भी आए थे, और ह्यूमन बॉडीज में। कौन? नहीं इट्स ओके। ह्यूमन बॉडीज में सर उनको बताती हूँ, उसमें से पूछा गया था सीपीएस का फुल फॉर्म मतलब। ओके ओके ठीक है, मतलब फुल फॉर्म्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो उसको ज़रूर करके जाना है। हाँ। और आप अपने जूनियर्स को कुछ सजेशन देना चाहेंगी? हाँ कि हौसला रखे रहना, सिलेक्शन ज़रूर होगा, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे और योनिक क्लासेस से वीडियो देखोगे तब तो जरूर हो जाएगा। और आपका कैसा गया? मेरा तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गया। सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं? है 19% है, 1% तो फिर भी ऐसा होता है। हाँ। है ना, तो चलो ऑल द बेस्ट, अगर होगा तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। थैंक यू दी। तो जैसा कि आप सभी ने सभी बच्चों का जो एक्सपीरियंस है वो जान लिया है, तो आपको बहुत कुछ पता चला होगा इस वीडियो से। तो इन बच्चों के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, एंड जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जिसने इंटरव्यू दिया था वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ ही आप सभी भी कोशिश करेंगे तो आप सभी का भी सिलेक्शन हो सकता है। और ऐसे ही नेक्स्ट ईयर भी हम मिलने आएंगे, तब तक के लिए आप सभी योनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।